अजकल की ज्योतिष विद्या जी एस्ट्रोलॉजी है, तो नहीं लगता कि वह वहमां भरमां दे वल ज़्यादा हुंगारा दे रही है? वहम भ्रम अपने जीवन नूं पिछे ले जांदे है, अगे नहीं ले जांदे। हमेशा ईश्वरीय शक्तियां दे नाल चलना चाहिए ताकि आप जीवन नूं प्रोस्पैरिटी दे विच ले जा के पूरा लाभान्वित बन सकीए। तुसीं किसी वहम भ्रम नूं आधार ना बनाओ, आधार बनाओ ग्रहां नूं जिहड़े ईश्वर की मर्जी दे नाल चलते हैं ते तुहानूं पिछले कर्मां दा फल प्रदान करते हैं। कि आ नंबर हाथ ते लिख लो या नंबर पर्स विच लिख लो, तुसीं कामयाब हो जाओगे, सक्सैसफुल हो जाओगे, तुहाडे कोल पैसा आ जाएगा, या मंत्र दा जाप इन्नी बार करो, कि इदां दे कोई मंत्र या फिर नंबर हुंदे ने सक्सैसफुल हुंदे ने? रेमडीज करके आपां उहनां कर्मां नूं ढैला पा सकदे हां, उहनूं खत्म नहीं कर सकते। पूर्ण खत्म तो वो लोग सन्यासी करते हैं जेड़े बस सिर्फ तो सिर्फ ईश्वर विच डुब गए। ये दुनिया जेड़ी है ना, इस वेले पूरा कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है। 2025 च ना जाने की होने वाला है। जो आप छोटे होंगे सी तो अक्सर उठते हुए एक आवाज़ है जी सवेरे सवेरे साढ़े कन्नां दे विच पैंदी सी, वो आवाज़ सानू दसदी सी कि साडा पूरा दिन ते साडा आउण वाला समा किवें दा रहेगा। वो आवाज़ सुनते सुनते हर 90 किट तां जरूर वड्डा होया है। ते अज असीं उसे शख्सियत नाल तुहानू रूबरू करवाउण जा रहे हैं। जी हाँ, असीं गल कर रहे हैं चढ़दा सूरज की। अक्सर चढ़दा सूरज प्रोग्राम सवेरे सवेरे जिहड़ा चलदा सी ते उस वेले ज्योतिष सम्राट कमल देव जी की आवाज़ सब के कन्नां दे विच सवेरे सवेरे पैंदी सी ते दस्या जांदा सी कि किस तरीके नाल तुसीं अपने जीवन नूं अपने दिन नूं सुखाला बना सकते हो। सो अज असीं उसे शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू लैके आ रहे हैं ते दसांगे कि कीड़ी अजिहियां चीज़ां ने जिन्हां नूं जिंदगी विच अपना के तुसीं अपनी जिंदगी होर भी सौखी बना सकते हो। सत श्री अकाल सर, सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे शो दे विच। थैंक यू बेटे, परमात्मा तुहाडी हर मनोकामना पूरी करे, अजिही मेरी मंगल कामना। थैंक यू सर। सर बहुत लंबा समा हो गया तुहानूं इस फील्ड दे विच, जे कह दिए कि सब तो पहला नाम कमाउण वाले इस फील्ड दे विच तुहाडा ही नाम सब तो ज़्यादा मन्निया जांदा है पंजाब दे विच, इंडिया दे विच खास करके। अजकल पर सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, देखा जाए बहुत लोग है जो सोशल मीडिया से अपने आप को ज्योतिष विद्या दे विच माहिर दसते हैं, एस्ट्रोलॉजर दसते हैं, तो वहमां भरमां दे विच ज़्यादा पाते हैं, जबकि तुहाडी असी देखी है हमेशा तुसी सिंपल सटीक उपा दसते हो, किसी वहम भरम दे विच नहीं पाते। अजकल की ज्योतिष विद्या जी एस्ट्रोलॉजी है, तुहानू नहीं लगता कि वह वहमां भरमां दे वल ज़्यादा हुंगारा दे रही है? इस तरह बेटे, हर इंसान की अपनी एक सोच है। बिल्कुल जी, तुसी उसनू किसे पासे भी ले जा सकते हो। हाँ जी, जिथों तक मेरा ताल्लुक है दुनिया नू संदेश देन दा, 40 साल तो मैं इस विद्या च हाँ जी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं ईश्वर नू ही प्रमुख मनदा रहा, ते है भी उही उही है जी। बिल्कुल जी, ये चंद सितारे, ये ग्रह, ये सारे उहदे अधीन ही घूमदे हन। हाँ जी बिल्कुल जी, आपां इन्हां नूं ही फोकस करना है। अपनी जिंदगी च उतार चढ़ाव जो कुछ भी है वो इन्हां नाल ही आउंदा है। बिल्कुल जी, आपां जे इन्हां दे प्रति आस्तिक हो के चलांगे, आपां वहमां भरमां तों खुद ही परे रहांगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, तुसीं सारिआं दी गल सुणो पर अपने अंदर दी आवाज़ नूं सुणो, ईश्वर की कह रहा है, वह तुहानूं किधर ले जाना चाहुंदा है, किहड़े पासे ले जाना चाहुंदा, किहड़ा ग्रह अस्त हो के वक्री हो के मीन उल्टा हो के या किसी माड़े ग्रह की दशा तुहानू किस कुरस्ते पा रही है, तुहानू उस गल नू पहचानन की लोड़ है। तुसी किसे वहम भरम नू आधार ना बनाओ, आधार बनाओ ग्रहां नू जिहड़े ईश्वर की मर्जी दे नाल चलते है ते तुहानू पिछले कर्मां दा फल प्रदान करते है जी। उस चीज़ नू आधार शिला बना के चलांगे तो आपां खुद ब खुद वहमां भरमां तो परे रहांगे। बिल्कुल जी सर, तुसीं कर्मां की गल की, कर्मां की जो गल करिए अगे आपां इह सोचदे सी कि जिहो जिहे कर्म करांगे उही जिहा फल मिलेगा, बट अजकल की जनरेशन की जो गल करिए कर्मां दे विच विश्वास नहीं रखती, तो कुछ भी कर दिंदी है और ये नहीं सोचती उहदा नतीजा की होगा, और अक्सर ये भी देखा जाता है माड़े कर्मां वालियां नूं चंगे नतीजे मिल रहे हैं, जिहड़े मेहनत कर रहे हैं
अनथक मेहनत कर रहे हैं उन्होंने सही तरीके नाल फल नहीं मिल पा रहा, यह क्यों है? इस तरह बेटे जिहड़ी गल तुसी कर्मां दी कीती है जी, बे अज कल माड़े काम करन वालेयां नू चंगे नतीजे मिल रहे हैं, बिल्कुल वो गल तुहाडी ठीक हो सकती है। अपनी जिहड़ी जन्म कुंडली है हाँ जी, ये पिछले जन्मां दे कर्म अनुसार बनती है। जदों बच्चा जन्म लैंदा है जन्म कुंडली तो उदों ही नाल बन जाती है, इन्ने बजे होया, इन्नी तरीक नू होया, आ लगन है उहदा, आ उहदे लगन दा मालक है, आ ग्रह उहदी मार्गदर्शन करेगा, आ ग्रह उहनू पीड़ा च लिजा सकदा है। वो कर्म जिहड़े है ना वो कर्म दा परचा है जन्म कुंडली। अच्छा जी, जिहड़े आपां अज जन्म अज कर्म कर रहे हैं ये अगले जन्म दा परचा बनूगा, जदों उद आत्मा क्योंकि शरीर नहीं आत्मा ने छड़ना है, जदों ते दूजे आत्मा च प्रवेश कर जाना, जिवें शरीर च प्रवेश करना आत्मा ने नाल ही उहदे कर्म शुरू हो जाने। अच्छा जी, उहनू उस कर्मा पिछले कर्मा दा हिसाब मिलना है। ओके, हाँ पिछले इस दा नहीं, इस दा तो जिहड़े कर रहे हैं खराब हो हाँ जी, या चंगे कर रहे हैं, जे किसे ते जो जो बच्चा जमदा है समझो उते गुरु दी दशा चल रही है, बख्शिश है, जन्म तो ही बख्शिश है, कहंदे ओ ता नाल लेके आया है सारा कुछ। बहुत सुनिया कि तरक्की हो जांदी है किसे दे घर पैर पैंदा है, सारा परिवार ही प्रफुल्लित हो जांदा है। अच्छा, पर सवाल ये है कि आपां नूं उस चीज नूं पकड़ के चलना चाहिए। एक बच्चा उते राहु दी दशा चलती है वो परिवार नूं भी तकलीफ चल जाता है, तो पिछले जन्मा का जिहड़ा कर्म का भोग है वो इस जन्म च पहले दिन तो ही हॉस्पिटैलिटी हो जाती है, कोई ना कोई तकलीफ ऐसी आ जाती है, पैसा ही खत्म हो जाता है, प्रॉपर्टियां ही बिक जाती है, उसनू दोषी नहीं ठहराना चाहिए, पर वो पिछले जन्म के कर्मा का योग है। कर्मा नू आधारित बना के जे आप चलांगे अपना जीवन दे विच पूर्ण सुख पा सकते हैं। इस तो हटके भी एक गल मैं कहनी चाहूंगा, ये जरूरी नहीं कि पिछले जन्मा का कर्म हो गया गलत हो गया राहु की दशा शुरू हो गई जी, भी इसनू मिटाया ही नहीं जा सकता, इस तरह नहीं होंदा। तुसी हुण चंगे कर्म करो जी, पूर्ण चंगे कर्म करो, ईश्वर का नाम जपो, जिन्ना ईश्वर का नाम जपोगे वो ग्रहां की चाल जिहड़ी माड़े दिशावां वल तुहानूं लिजा रही है उत्थे ब्लॉक हो जूगी, दावा मेरा। अच्छा जी, पर करना पौगा, करना पौगा, प्रैक्टिकल करना पौगा। बच्चे नूं शुरू तो समझाओ वो ईश्वर का नाम जपे, कोई जरूरी नहीं बहुत लंबे वह मंत्रां दा पाठ करे, बस नाम जिहड़ा उसनूं चंगा लगता है। अच्छा, राम अल्लाह कृष्ण वाहेगुरु कुछ भी, उसका जीवन ही बदल जूगा, जन्म कुंडली उत्थे काम नहीं करूगी। ओके, सर जिवें जन्म कुंडली की गल करिए, कहा जाता है कि जन्म कुंडली दे विच सच्ची पूरे जीवन का लेखा जोखा होंदा, लाइक जदों आपां बनाने बर्थ हुंदा है कि आपां नूं पता हुंदा है आने वाले भविख दे विच की होवेगा, या फिर अपने कर्मा के हिसाब नाल जन्म कुंडली दे विच बदलाव किए जा सकते हैं, या जिवें तुसीं दस्सिया कि उपा करके भी उस विच कुछ चेंजिस किए जा सकते हैं, रेमडीज करके आपां उन्हां कर्मां नूं ढैला पा सकते हैं, उन्हूं खत्म नहीं कर सकते जी। पूर्ण खत्म तो वो लोग सन्यासी करते हैं जेडे बस सिर्फ ते सिर्फ ईश्वर विच डुब गए, डुब गए, उन्हां दे माड़े कर्म भी चंगे योग सिद्ध हो जाते, इसलिए जन्म कुंडली जिहड़ी है तैयार हुंदी है, उस दे विच जिहड़ियां दिशावां है राहु दी है, केतु दी है, शनि देव दी है, शनि 19 साल दे कारक है, गुरु 16 साल दे कारक है, केतु 7 साल दे है, इस तरह जिहड़े जिहड़े ग्रह दी दशा जिस मुताबक उन्हें पिछले जन्म च कर्म किते है ना उवें उवें आउणी है। अच्छा, वह किवें समझो, एक आदमी जमदे ही बहुत अमीरियत दा चोला पहन लैंदा है, थोड़ा समा बीतदा है 7-8 साल बीतते हैं या जिन्ना उहदा समा जन्म कुंडली च लिखिया हुंदा उस चंगे ग्रह का, उस तो बाद माड़े ग्रह की दशा शुरू हो जाती है, जिवें शुरू हुंदी है वो चंगा भला बच्चा पढ़ाई च पढ़ता इंटैलीजेंट स्कूल जाण नूं उहदा दिल ही नहीं करता, कॉलेज जाके उहदियां हरकतां ऐसियां हो जांदियां वो मापिआं नूं किसी होर ही पासे लै जांदा है, हां जी, मापे उहदे हाड़े कढ़दे फिरदे थां थां ते, बिल्कुल भी ये ठीक किवें होऊगा,
जबकि उसके ग्रह खराब नहीं सी, वो दशा जिहड़ी शुरू हुई, समझो केतु की शुरू हो गई या राहु की शुरू हो गई मैल्फिक ग्रह की, इस तो हट के भी राहु दशा केतु दशा ये माड़िया ही नहीं होंदिया, कईयां नूं तां राजसी ठाठ दे दिंदिया है। अच्छा जी, फिर ग्रहां दे नीच की गल आ जाती है, नीच तो उच्च ग्रह होंदे है, जे ग्रह उहदी जन्म कुंडली च नीच आ जाए फिर उहदी दशा शुरू हो जाए, वो नीच काम शुरू करा देंदी है। अच्छा जी, बंदे नूं पता ही नहीं लगता भी ये गल की है, की हो गई है। हाँ, लब वो लभदा लभदा ही अद्धा जीवन बिता देंदा है। अच्छा, जबकि उसनू ऐश्वरीय थ्योरी में जाना चाहिए, ईश्वर आपे भाल करा देंगे इस गल की। मैं दावे नाल कहना 21 दिन लगातार कोई बंदा जिसनू उसके प्रश्न का जवाब ना मिलता हो ईश्वर का ध्यान करे, तो ध्यान दे विच वो इसे गल नू लिया कि इहदा हल की है, ये क्यों हो रहा है, उहनू रस्ता जरूर मिलेगा, परमात्मा रस्ता जरूर देंगे। सर एक अजकल ना सोशल मीडिया से जिम्मे बहुत ट्रेंड है, बहुत सारिया रील्स वायरल होंगे जिद दसया जाता है कि आ नंबर हाथ से लिख लो या आ नंबर पर्स में लिख लो, तुम कामयाब हो जाओगे, सक्सैसफुल हो जाओगे, थोड़े को पैसा आ जाएगा, या मंत्र का जाप इन्नी बार करो, कि इदा के कोई मंत्र या फिर नंबर होंगे ने सक्सैसफुल होने के लिए। इस दे विच कई चीज़ा है जी किरण बेटे, ये जीवन का तत् है, यूनिवर्स है जड़ा, हाँ जी, वो अपनी हर गल नू सुनदा है, हाँ जी, हम अपने हर इशारे नू समझदा है, हाँ जी। सचिन तेंदुलकर जिहड़े क्रिकेटर, महा क्रिकेटर ही कह सकदा मैं, हिंदुस्तानी वर्ल्ड लैवल ते उहनां दा नाम है, बिल्कुल जी। वो हर काम करन तो पहला यूनिवर्स नू सलाम करदे सी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, फिर बल्ला घुमाउंदे सी अपना, फिर उस बल्ले ते रन बनते सी, उहदे पिछे फोर्स केड़ी काम करदी सी, यूनिवर्स दी, यूनिवर्स स्नेह दिंदा है, यूनिवर्स नंबरां दे भी स्नेह दिंदा है, जिहड़ी तुसीं गल कह रहे हो वो नंबरां दे भी स्नेह दिंदा है। यूनिवर्स नूं जे तुसीं सवेरे सूरज चढ़दे ही 3 वारी थैंक यू यूनिवर्स कहो उस वल मूँह करके, फिर दुपहरे कहो, फिर शाम नूं जदों सूरज ढल रहा होवे फिर कहो, रात नूं जदों सौ जाओगे तुसीं तुहानूं उस नंबर दा सुनेहा आ जाणा तुहाडे माइंड च कि मैं जे ये नंबर घुमावा, ये नंबर ते मैं कुछ भी करा तो मैं उस दे विच सक्सैसफुल हो जावांगा। अच्छा सर, केड़ा नंबर है जिहड़ा इदां दा कि जिहनूं मतलब असीं चाहुंदे साडे दर्शकां नूं वी इदां दी रेमेडी दित्ती जावे कि उहनां नूं वी सक्सैसफुल होण दा इक मंत्र मिले? इस तरह ये जिहड़े नंबर है, हाँ जी, ये भी श्रद्धा नाल संबंधित है। अच्छा जी, यूनिवर्स दे विच किन्ने मुकाम है, बिल्कुल, जिवें सारे वर्ल्ड दे विच किन्ने स्टेशन है, जहाज़ कदे किते उतरदा कदे किते उतरदा, कई एयरपोर्ट बहुत फ्लरिश हुंदे है, कई एयरपोर्ट ते तुसी उतरदे ही तुहानू चाह भी नहीं मिलदी। हाँ जी, इस तरह जिहड़े ये नंबर है इन्हां दे प्रति एक बहुत पूजनीय भावना चाहीदी है। फिर तुसी करना की है, तुसी अपने हथेली नू लै लेना है, खब्बी हथेली नू लैना है। अच्छा जी, हाथ नाल तां जिहड़ा सज्जा हाथ है ये योग्य स्थिति दा मालिक हुंदा है, जिहड़ा खब्बा हाथ है वो उर्जित करदा है एनर्जी नू। ओके, तुहाडे दिमाग च कोई नंबर आ जाए, समझो 4 आ गया, 4 लिख लो। अच्छा जी, तुहाडे दिमाग च आ गया 8, तुसी 8 लिख दो उहदे नाल ही, तुसी विशेष तौर ते ये 9 नंबर लिखने हैं। नौ ग्रह वै, नौ ग्रहां दी एनर्जी नूं तुसी आकर्षित करना है, तुसी अपने मुट्ठी च लै लेना उहनूं। अच्छा जी, फिर उस मुट्ठी नूं सारा दिन देखो, हाँ आ देखो बेटे मेरे नंबर लिखिया होया है। हाँ, ये क्यों है ग्रीन पेन नाल, क्योंकि जिहड़ा ग्रीन पेन है, जिहड़ी ग्रीन शब्द है, ये बुद्ध ग्रह नाल रिलेटेड है, तुहाडे ज्ञान नाल रिलेटेड है, जिहड़ा ये ज्ञान है वो एवें सार्थिक सिद्ध नहीं हुंदा है। अच्छा जी, वो बुद्धि दे मालक गणेश जी है। अच्छा जी, उसका ध्यान करते हुए इन्हां नंबरां नूं अंकित करो अपनी हथेली ते, हथेली
ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰਿਕਟੀ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਰ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਚਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਟੇਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਿਰਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਈਸਟ ਜਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਨੌਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਈਸਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸਾਊਥ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੂਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਿਪਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਵੈਸਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਐਨਰਜੀ ਖੁਦ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਧਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਨ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਖੌਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਰਸਫੁਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਰੈਂਥਫੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਗਾਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭਾਂਵਿਤ ਬਣ ਸਕੀਏ ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਜੀ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜੈਲਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਝੋ ਰਾਹੂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰਾਹੂ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇਊਗਾ? ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹਕੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕੈਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਮੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਘੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਹਿਨਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਨਾਗਾ ਉਹ 10-15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੈਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋਵੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਤਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਬਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ, ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2025 'ਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੋਗ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੱਤਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਰਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਮਰਕਰੀ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰਵਾਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਪੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਓ ਪਰ ਕੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ
21 दिन दे विच मैं दावे नाल कई गल्लां कहना 21 दिन दे विच जिहड़ा वो बंदा ठीक नहीं हो सकिया वो पानी पीन नाल ही ठीक हो जाएगा, वो डिप्रेशन तो बाहर आ जाऊगा, वो वधिया गल्लां करन लग पऊगा, वो पॉजिटिविटी का मालिक बन जाऊगा। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, साडे दर्शकों नूं बहुत वधिया जानकारी दित्ती तुसीं। ते जिहड़े सवाल सी बहुत लोगों के दिमाग दे विच हुंदे आ, अक्सर अजकल सोशल मीडिया ते अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपां कह सकदे आ कि बहुत डाउटफुल चीज़ा होंदिया ने, ते तुसीं बहुत वधिया तरीके नाल बिना किसी वहम भरम के तुसीं बहुत ही वधिया तरीके नाल सारयां दे जवाब दित्ते। बहुत बहुत शुक्रिया लुधियाना लाइव नूं अपना समां देण दे लई। मैं तां आखिर दे विच इक गल जरूर कहना चाहूँगा जी, सारा कुछ करो, ग्रहां दी रेमडीज भी करो, उन्हां दे प्रति भजन बंदगी भी करो जी, पर नाम जपो, नाम जपो, जिस भी इष्ट नूं तुसीं मनदे हो। ये नहीं है एक बंदा कहिंदा जी मैनूं आ नाम बहुत वधिया लगदा है ते ओदी कास्ट होर है कोई, हाँ जी बिल्कुल, ओ जपे, ईश्वरता इक है, बिल्कुल जी, नाम जपो, नाम दे विच इन्नी वड्डी पावर है कि कैंसर तक दा रोग मुक्त हो जांदा है। इसलिए मेरा आखिरी प्रार्थना समझो जी, अजे ही मेरी मंगल कामना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सो नाइस बेटे। सो ऐसी खास मुलाकात ज्योतिष सम्राट कमल देव जी नाल, जिन्हां ने हमेशा ही शुरू तो लैके हुण तक भी है जिहड़ा चढ़दा सूरज प्रोग्राम दे राही उंज भी सोशल मीडिया ते अक्सर एक्टिव रहिंदे ने, जिन्हां दे वल्लों सही रेमेडीज दस्सियां जांदियां ने ते किसी भी वहम भरम तो बिना तुहानूं अजिहे राह दस्से जांदे ने तुसीं जीवन दे विच तरक्की भी पावो अते हर तरह की जिहड़ी मनोकामना तुहाडी पूरी हुंदी है। ते चढ़दा सूरज अज भी उसे तरीके नाल चढ़दा जा रहा है ते असीं उम्मीद करांगे हमेशा चढ़दा सूरज राही कमल देव जी लोगों राह दर्शाते रहन। शुक्रिया।